लॉगरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पुरातन बोर्ड पर ध्यान रहे, लॉगरिथम, ओके, फॉर द एग्जांपल, ध्यान से पुरातन बोर्ड पर, ध्यान से, फॉर द एग्जांपल ऐसा दिया है, 2 raised to x इज इक्वल टू 16, 3 raised to x इक्वल टू दिया है 27, ठीक है, 4 raised to x इक्वल टू दिया है 1024, ठीक है, और ऐसा दिया है 5 raised to x इक्वल टू 200, ठीक है, फॉर द एग्जांपल ये दिया है, ओके, मान लो ये कुछ इक्वेशन हमको दिए और हमको क्या करना है, ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है इतना। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोले सर इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 raised to x इक्वल टू 16 क्या होता है 2 raised to 4, तो इसमें क्या दिक्कत है, x की जगह पे कितना है 4, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4। चलो हमने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया, ये हमने इक्वेशन इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है यहाँ तक, ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्या है 3 raised to x इक्वल टू 27, 27 क्या है 3 raised to 3, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं कि x की जगह यहाँ पर कितना है 3 है, तो मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है, यहाँ पर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 raised to x इक्वल टू 1024 क्या होता है, तो 4 raised to 5 होता है, तो यहाँ पर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह पे क्या है 5, तो यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो ये तीन इक्वेशन में इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है, यहाँ पर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई 5 raised to x इक्वल टू 200, मतलब 5 की पावर कितना करो कि 200 आ जाए। आप सोच में पड़ जाओगे सिर्फ ये कैसे 200, मतलब 5 की पावर कितना करें सर, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 raised to 3 कितना होता है 125, और 5 raised to 4 कितना होता है 625, नहीं समझे, पर 200 मतलब 5 raised to 5 की पावर कितना करे 200, तो ये तो आता ही नहीं है कि 200 जो है वो 125 625 के बीच में है। इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 3 and 4 के बीच में होगी, क्योंकि 5 raised to 3 125, 5 raised to 4 625, और हमको चाहिए 5 raised to x इक्वल 200, ये 200 125 625 के बीच में है, मतलब ये जो अपनी x की वैल्यू है वो 3 and 4 के बीच में है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि भाई x की जो वैल्यू है 3 and 4 के बीच में, मतलब पॉइंट में है। तो जब भी ऐसे इक्वेशन होंगे कि जहाँ पर पावर फ्रैक्शन में होगी, पावर डेसिमल में होगी, ऐसे इक्वेशन को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है इतना। तो अब ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जब ऐसा कोई भी कैलकुलेशन, मतलब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, पुराने टाइम में, मतलब जब लॉगरिथम नहीं था, ठीक है, उस टाइम लोग